हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने सीए सीएस जो भी हैं, सीएमए के बच्चे जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। एंड आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे एक होता है एमएससी प्रेजेंटेशन एंड द सेकेंड वन इज़ मिस्टेक। ठीक है, तो हम इस दो टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एंड मिस्टेक क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपकी इंटेंशन नहीं होती है चीट करने की। ठीक है, आपको खुद ही पता नहीं होता और आपकी इंटेंशन भी नहीं होती कि आप किसी को चीट करो। तो चलिए हम देखते हैं कि लॉ में कैसे लिखा हुआ है। व्हेन अ पर्सन मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिलीविंग द फॉल्स स्टेटमेंट टू बी ट्रू। एक पर्सन है जो कि क्या बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट, गलत बात बोल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो गलत बोल रहा है और उसी की वजह से वो कुछ गेन या प्रॉफिट ले लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये एक मेरा पेन है और मैं इस पेन को बोल रही हूँ कि ये मेरा पेन जो है ना वाटर प्रूफ है। ठीक है, और मैं इसे किसी बंदे को सेल कर देती हूँ। ठीक है, और मैंने जिस बंदे को इस पेन को सेल किया है, मैंने उसको तो ये बोला कि ये जो पेन है ये वाटर प्रूफ है। ठीक है, और इससे आप कितना भी लिख लो, ये इसके ऊपर अगर पानी भी चला जाएगा तो ये फैलेगा नहीं। ठीक है, और अगर वही बंदा किसी और को ये पेन बेचेगा तो उसको तो ये नहीं पता ना कि ये पेन वाटर प्रूफ नहीं है, और वो किसी और बंदे को सेल कर देता है और उससे वो पैसे ले लेता है थर्ड पार्टी से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब मैंने झूठ बोला, लेकिन मैंने जो झूठ बोला उसके बाद जिस बंदे को मैंने मैंने सेल किया था, उसी बंदे ने फिर से झूठ बोल के इसी को किसी और को सेल कर दिया, तो उसको नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन द इंटेंशन इज नॉट टू चीट। अगर जब मिस रिप्रेजेंटेशन होता है तो उस पर्सन की इंटेंशन नहीं होती है सामने वाले पर्सन को चीट करने की, क्योंकि उसको खुद ही आइडिया नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद है वो जो झूठ बोल रहा होता है उसी बात को वो सच मान लेता है, जिसकी वजह से वो मिस रिप्रेजेंटेशन में कवर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द एग्राइव्ड पार्टी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट बट कांट क्लेम डैमेजेस। जो भी एग्राइव्ड पार्टी है जिसके साथ धोखा हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर सकता है बट अपना जो है मतलब डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। और डैमेजेस क्यों नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि जब जिस बंदे ने ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको खुद ही नहीं पता था कि वो जो है उस स्टेटमेंट को गलत बोल रहा है, तो इस वजह से इसमें जो है आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, ओनली जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा एंड जिस तरीके से मैं लिखती हूँ आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड चलिए देखते हैं, हम मिस्टेक के बारे में पढ़ेंगे। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मिस्टेक के बारे में क्या बोला हुआ है, हम मिस्टेक देखते हैं। इन मैनी केसेस कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन अंडर अ मिस्टेक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक में क्या होता है कि इन विच यू डोंट हैव अ नॉलेज। ठीक है, इन विच यू डोंट हैव नॉलेज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन विच यू डोंट हैव नॉलेज, मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक किसकी वजह से होती है, गलती से हो जाती है, आपको नॉलेज नहीं होती जिसकी वजह से आप क्या कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। तो मिस्टेक कितने तरीके की होती है, दो तरीके की मिस्टेक होती है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है और एक मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। तो हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। चलिए देखते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में अब हम देखते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसे होते हैं, यूनिलेटरल मिस्टेक होता है, म्यूचुअल मिस्टेक होता है। यूनिलेटरल का मतलब होता है कि जब एक पार्टी की गलती की वजह से मिस्टेक हो जाती है। बायलेटरल मिस्टेक का मतलब होता है जब बोथ ऑफ दी पार्टी जो है मिस्टेक करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक में होता है वन पार्टी की मिस्टेक होती है, बायलेटरल मिस्टेक में होता है दोनों पार्टी की ही मिस्टेक होती है। ओके, तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक को। तो चलिए देखते हैं, यूनिलेटरल मिस्टेक मीन्स अ मिस्टेक ऑफ वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको इसमें बताया कि यूनिलेटरल मिस्टेक में क्या होता है, ओनली जो वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है वही मिस्टेक करता है। ठीक है, एंड इन केस ऑफ वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हिज कंसेंट अंडर अ मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अगर एक पार्टी जो है यूनिलेटरल मिस्टेक कर रहा है तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। ओके,
तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड नहीं कह सकते क्योंकि एक ही पर्सन की गलती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम इस केस में, हाउएवर देयर आर फॉलोइंग एक्सेप्शन टू द अबव रूल, मतलब इसका मतलब क्या है, ये इस ये जो रूल है इसके ये एक्सेप्शन है कि इस केसेस में जो है यूनिलैटरल मिस्टेक होगा तो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड माने जाते हैं इन केसेस में भी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि एक पार्टी की अगर हम मिस्टेक माने तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होता है, जिसे हम यूनिलैटरल मिस्टेक कहते हैं, एंड इसी की हमारी एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन में क्या बोला है, मिस्टेक एज टू, सबसे पहला एक्सेप्शन है मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर ड्यू टू ब्लाइंडनेस और इलिटरेसी। अगर कोई पर्सन जो है कोई सामान खरीदने के लिए गया, ठीक है, और उसको वो सामान जो है उसने फटा हुआ दे दिया, ठीक है, बेकार दे दिया, तो उसको दिखाई नहीं देता, वो दूर से, मान के चलो एक फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि एक पर्सन है जो सेलर के पास गया शॉप में और उसने उससे बोला भैया एक टी शर्ट दिखा दो, तो वो जो है बंदा सेलर जो है वो उसको टी शर्ट दिखाता है, उस टी शर्ट में छेद होता है और बाई चांस वो जो बायर होता है वो उस छेद को देख नहीं पाता और वो टी शर्ट अपने घर ले आता है। घर लाके वो क्या देखता है कि उसके अंदर छेद है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो अपना मतलब टी शर्ट में छेद देखता है, तो उसके बाद क्या बोलता है कि ये जो है टी शर्ट में छेद है, एंड उसके बाद वो उसको उसके पास वापस करने जाता है। तो क्या सेलर उसको रिटर्न करेगा? यस, सेलर को उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, यूनिलैटरल मिस्टेक होता है। एंड फिर अगला केस है कि इफ सेलर मेक्स अ ट्रिक विच कन्फ्यूजेस द बायर, अगर जो सेलर है वो ट्रिक लगा रहा है, मान के चलो हम एक टी शर्ट लेने गए और बायर सेलर ने उसके ऊपर क्या कर रखा है, फटे हुए के ऊपर चिट चिपका रखी है, मतलब एक स्टिकर चिपका रखा है जिससे वो बायर को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, बायर जो सेलर है वो क्या कर रहा है, वो ट्रिक लगा रहा है ताकि वो बायर को कंफ्यूज कर सके। तो इस केस में भी हम जो है यूनिलैटरल मिस्टेक के अंदर कवर होते हैं। उसके बाद क्या है, मिस्टेक एज टू पर्सन विद होम कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी मेड, इसका मतलब है अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ, मतलब एक बायर है, मतलब एक बच्चा था जिसको घर पे ये बोला गया कि जाओ तुम बॉबी टिक्की वाले से टिक्की ले आओ, तो यहाँ पे मान के चलो बॉबी टिक्की वाले की दो शॉप है, एक उसका बहुत बड़ा शॉप है, एक दूसरा है जो रेड़ी पे बॉबी टिक्की के नाम से ही टिक्की बेचता है, और उसको लाना शॉप से था लेकिन वो जाके रेड़ी से ले आता है। तो ये क्या था, बाय पर्सन का डिफॉल्ट था, तो जिसकी वजह से अगर वो बाद में उस टिक्की वाले के पास जाए और वापस करे कि भैया मुझे प्रॉब्लम, मुझे मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया, तो उस केस में जो रेडी वाला है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। और उसके बाद है ये हमने पढ़ लिया, मिस्टेक एज टू पर्सन हमारा विद होम कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी मेड। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, बायलेटरल मिस्टेक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बायलेटरल मिस्टेक के बारे में, मिस्टेक ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मिस्टेक ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बायलेटरल मिस्टेक बोला जाता है, जब दोनों पार्टी की मिस्टेक होती है। इफ बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर अ मिस्टेक, देन इस हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं कि ये जो बायलेटरल मिस्टेक के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जब दोनों ही पर्सन की गलती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो फॉलोइंग सिचुएशन है इन केसेस में बायलेटरल मिस्टेक कवर हो जाता है। सबसे पहला है मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो आपका सब्जेक्ट मैटर था आपको उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं पता, दोनों पर्सन जो है डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो इस केस में ये बायलेटरल मिस्टेक माना जाएगा। उसके बाद है दोनों पर्सन जो है किसी भी थिंग की, किसी भी सामान की आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं, या फिर क्वालिटी को छुपा रहे हैं, या फिर क्वांटिटी को छुपा रहे हैं, ठीक है। तो इस केसेस में भी क्या माना जाता है कि ये जो है बायलेटरल मिस्टेक है, ओके। और बायलेटरल मिस्टेक के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो वॉइड होते हैं क्योंकि इसमें दोनों की मिस्टेक होती है, जबकि हमारा जो यूनिलैटरल मिस्टेक था उसमें एक पार्टी की गलती होती है जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। तो मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरीके के होते हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। तो अगर हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ की, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडियन लॉ के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर ये बोलते हैं कि आपको इंडियन लॉ के बारे में नहीं पता तो वो जो है एक्सक्यूज नहीं माना जाता कोर्ट ऑफ लॉ में, ये माना जाता है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इंडियन लॉ के बारे में।
मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ. इंडियन लॉ क्या बोलता है, एवरी पर्सन शुड नो द लॉ ऑफ लैंड. ये कहता है कि जो भी पर्सन जिस भी कंट्री में रहता है उसको उस कंट्री का जो है लॉ पता होना चाहिए. इफ अ पर्सन ब्रेक अ लॉ एंड स्टेट्स दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ लॉ, अगर कोई पर्सन जो है लॉ को जो है ब्रेक करता है और वो ये बोलता है बाद में कि उसको तो लॉ पता ही नहीं था, तो वो एक्सक्यूज नहीं माना जाता है. इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, इग्नोरेटमिया जुरिस नॉन एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो इस केस में ये आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है, आपके क्वेश्चन में ये मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ पूछा जाएगा और क्वेश्चन में ये लिखा जाएगा, जिससे आपको कंफ्यूज किया जाता है कि जो हमारा इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है एक्सक्यूज नहीं माना जाता. इसका मतलब होता है कि अगर आप इग्नोर कर रहे हैं लॉ को तो वो हम एक्सक्यूज नहीं मानेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में या हर जगह मान के चलो कोई एक छोटा पर्सन है, बच्चा है, वो गया दुकान पे और उसने दुकान से सामान खरीद लिया और उसने उसको पैसे नहीं दिए, तो वो दुकान वाला क्या बोलेगा कि भैया पैसे दो. तो दुकान वाला कहता है कि पैसे किस बात के, पैसे क्यों दूं मैं, तो वो कहेगा मैंने सामान दिया है तो उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे. तो बच्चा क्या बोलेगा, मुझे इसके लॉ के बारे में तो पता ही नहीं है. तो ये क्या है, ये एक एक्सक्यूज दे रहे हो आपको कि आपको इंडियन लॉ के बारे में नहीं पता और आपको पता होना चाहिए, ये एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन, मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, ठीक है, तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा इस चीज में. तो सो इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन इग्नोरेंस ऑफ एनी लॉ द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इफेक्टेड. अगर कोई भी बंदा जो है इग्नोर कर रहा है लॉ को और उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर लिया तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उससे इफेक्टेड नहीं होगा. क्योंकि इस केस में क्या होता है कि अगर आप इंडियन लॉ को ही नहीं जान रहे हो, आप अपने लॉ ऑफ लैंड को ही नहीं जान रहे हो, तो आप एक्सक्यूज थोड़ी दोगे कि हमको लॉ ही नहीं पता था इस वजह से हमने ऐसा नहीं किया. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि आपको कम से कम आप जिस स्टेट में रहते हो, जिस भी कंट्री में रहते हो, सॉरी स्टेट नहीं, जिस भी आप कंट्री में रहते हो, आपको उस लॉ के बारे में पता होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए. आप बाद में ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं हमको तो लॉ पता ही नहीं है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ के बारे में. तो अब मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. जो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होता है इसे हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरीके से ट्रीट करते हैं. जैसे द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक. जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, किस केस में, जब दो पार्टी जो होती है अगर दोनों ही जो है मिस्टेक कर रही है. जैसे मैंने आपको अभी बायलेटरल मिस्टेक में बताया था, एज टू अ फॉरेन लॉ बिकॉज वन cannot be expected to law the other country. मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप इंडिया में रह रहे हो और आपको क्या फॉरेन लॉ के बारे में पता है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं. क्योंकि जो बंदा जिस कंट्री में रह रहा है उसको उस लॉ के बारे में अवेयर होना जरूरी है, लेकिन अगर उसको बाहर के लॉ के बारे में नहीं पता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस जिस कंट्री में है आपको उस कंट्री के लॉ के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपको बाहर की कंट्री के बारे में नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. ठीक है, होपफुली आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैं बहुत अच्छे से आपको नोट्स बना के देती हूँ और आप वीडियो जब पूरी तरीके से पढ़ लें उसके बाद ही आप जो है इसको नोटिंग करें अच्छे से, अच्छी अच्छी राइटिंग में, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच.